हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माय सेल्फ रिचिका, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले वीज़ा नेक्स की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी दिसंबर मंथ की है। तो अब बस ये एंड हो चुकी है, क्योंकि न्यूज़ इन जो शॉर्ट्स में है, यानी कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारे करंट अफेयर्स की, उसको हम लोग डील कर रहे हैं। और आज हम लोग ये टॉपिक भी कंप्लीट कर लेंगे, और एक लेसन आएगी आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स की। तो फिर उसके बाद कल आपकी ये जो हमारी मैगजीन है, ये कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप प्लेलिस्ट में आकर स्टार्टिंग से ये मैगजीन देख सकते हो। साथ ही अभी हमारे पास टाइम है, क्योंकि आज 5th February है, और नेक्स्ट जो जनवरी मंथ की वीज़न आइस मैगजीन आएगी वो 10 से 15 के बीच में आती है। ओके, तो इस दिनों में मैं आपको पॉलिटी और जो आपकी इन्वायरमेंट की कुछ लेसन बची हुई है, उसको मैं यहाँ पर आपकी कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी। साथ ही हमारा टेस्ट भी चल रहा है, और आपकी जो इकोनॉमिक सर्वे के लेसन है वो एज़ यूजल आती ही रहेगी। तो आप लोग परेशान मत होइए कि मैं यहाँ पे इतने सारे इनिशिएटिव्स ओपन कर रखी हूँ लेकिन उसको कंप्लीट नहीं कराऊंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हो, मैं आपकी एग्ज़ाम से पहले जो भी बुक स्टार्ट की हूँ उसको ज़रूर कंप्लीट कराऊंगी। ओके, ये मेरी ड्यूटी है। आप लोग बस डेली, आप लोग को जो 2-3 लेसन मिलते जा रहे हैं, आप लोग उसको प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से स्टडी कीजिए, और बाकी आप लोग की सारी चीज़ें मैं कंप्लीट करा दूंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेस्ट ऑफ द जो टॉपिक बची हुई है उसको हम लोग जल्दी से आज कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 20 टॉपिक देखते हैं आज, 20 आर्टिकल है, जो कि जागा मिशन है। तो रिसेंटली क्या है कि उड़ीसा की लाइवेबल जो हैबिटाट मिशन है और जागा मिशन है, वो अभी एक ब्रॉन्ज मेडल उनको मिला है, वो भी वर्ल्ड हैबिटाट अवार्ड के लिए। ये एक स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, जो कि लैंड राइट ग्रांट करने के लिए, यानी कि ज़मीन से रिलेटेड जो आपका हक है वो यहाँ पे देने के लिए है। और जितने भी स्लम ड्वेलर्स हैं, जो कि स्लम वाले एरिया में रहते हैं, उनके यानी कि थाउजेंड्स ऑफ स्लम ड्वेलर्स को इस तरीके से जो है उनका राइट दिया गया है। इस प्रोग्राम के तहत देखिए, इसमें आपको 1725 स्लम्स जो है वो यहाँ पर सर्वे किए गए हैं, वो भी ड्रोन को यूज़ करके और GIS टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। साथ ही साथ डोर टू डोर हाउस होल्ड सर्वे भी किया गया है, जिसमें कि उनको इस तरीके से उनके ज़मीन की जो राइट है वो सर्टिफिकेट उनको प्रोवाइड किया गया है। ड्रोन मैपिंग जो है वो स्लम्स को ड्रास्टिकली की है, जिसके थ्रू जो टाइम कंज्यूम किया जाता है, यानी कि आप लोग देखते हो कि ड्रोन से यानी किसी भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अगर हम लोग सर्वे करते तो वो आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, कि ईजी टू यूज़ होता है, टाइम यहाँ पर कम कंज्यूम होता है, कॉस्ट कम होती है। तो ये सारी चीज़ें बेटर होती है एज़ कम्पेरिजन टू जो कुछ मैनुअल वर्क के द्वारा किया जाता है, यानी कि लोगों के द्वारा घर घर जाकर पूछा जाता है। तो इससे बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी जाता है, इवन टाइम भी जाता है, और बहुत डिले भी हो जाता है किसी भी सर्वे का रिजल्ट लाने में। तो इस तरीके से ड्रोन मैपिंग यहाँ पे किया गया है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब बात यहाँ पे याद रखना है कि वर्ल्ड हैबिटाट अवार्ड है क्या। ये एक एनुअल अवार्ड है जो कि वर्ल्ड हैबिटाट के द्वारा दिया जाता है। एक UK बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि यूनाइटेड नेशन हैबिटाट के साथ पार्टनरशिप करी गई है। ये आपको देखने को मिलेगा कि कुछ भी अगर अच्छा खासा आउटस्टैंडिंग इनोवेशन किया जाता है, या रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ है, कुछ अच्छे प्रोजेक्ट है, प्रोग्राम है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, तो इस तरीके से यहाँ पर प्रोजेक्ट को दिया जाता है। ओके, अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट 21 आर्टिकल, जो कि है फिट इंडिया स्कूल ग्रेडिंग सिस्टम। रिसेंटली क्या है कि प्राइम मिनिस्टर ये लॉन्च करी है फिट इंडिया स्कूल ग्रेडिंग सिस्टम, वो भी स्कूल को हमारे कंट्री में जितने भी स्कूल हैं, जो फिट इंडिया स्कूल है ये यहाँ पे रैंक किया जाएगा। और इसमें 3 कैटेगरी होगी। फिट इंडिया स्कूल होगी जो कि फर्स्ट लेवल ऑफ रैंकिंग होगी, फिट इंडिया स्कूल होगी जो कि 3 स्टार है, और फिट इंडिया स्कूल जो कि 5 स्टार है। ये लेवल ऑफ रैंकिंग है जो कि डिपेंड करेगा कि किस तरीके से स्कूल का इंपॉर्टेंस है और ओवरऑल फिटनेस कितना है उस स्कूल के बच्चों का, तो इसके ऊपर इसकी रैंकिंग दी जाएगी। अब आता है 22 आर्टिकल, जो कि है RESAT-2BRI। रिसेंटली इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च करी है RESAT-2BRI, वो भी PSLV C-48 से, वो श्रीहरिकोटा से। PSLV अगर C-48 की बात करें तो 9 कस्टमर सैटेलाइट को ये कैरी किए, जिसमें 1 जो है आपकी इसराइल से है, इटली से है, जापान से है, और 6 जो है USA से है। RESAT-2BRI-1 की बात कर ले तो RESAT-2BRI-1 जो है वो सेकंड रिडार इमेजिंग सैटेलाइट है, और इससे पहले RESAT-2B सीरीज़ गई थी। साथ ही साथ CARTOSAT-3 भी है, जो कि एक ग्रुप ऑफ सैटेलाइट है जो कि इंडिया की इमेजिंग जो कैपेबिलिटीज़ है उसको स्पेस से काफ़ी बूस्ट करेगी। अच्छे खासे हाई रिजोल्यूशन की पिक्चर होती है CARTOSAT से, तो इसलिए CARTOSAT को भी आज के डेट में हर एक सैटेलाइट के साथ भेजा जाता है। RESAT-2BRI-1 की बात करूँ तो पावरफुल रिजोल्यूशन है इसमें, 2 ऑब्जेक्ट है जो कि 35 सेंटीमीटर डिस्टेंस में इसको रखा गया है। रिसैट सैटेलाइट की बात करें तो इसमें सिंथेटिक आर्पेचर रडार है, जो कि यहाँ पे अर्थ की पिक्चर लेगी, चाहे दिन हो चाहे रात हो, या फिर क्लाउडी कंडीशंस भी हो तो भी वो अर्थ की पिक्चर लेगी। और ये सैटेलाइट से हेल्प होगा हमारे एग्रीकल्चर में, माइनिंग में, फॉरेस्ट्री में, कोस्टल मैनेजमेंट में, सॉइल मॉनिटरिंग में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, साथ ही कोई भी तरीके का अगर यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर सर्वेलांस है तो उसमें भी। ये जो सैटेलाइट है, एक मिशन लाइफ है, इसकी मिशन लाइफ कितना है तो 5 साल तक ये काम करेगी।
नेक्स्ट आते हैं 23 आर्टिकल में, जो कि है क्लियर स्पेस वन मिशन। जो ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, वो प्लान कर रही है कि किस तरीके से 4 आर्म्ड रोबोट को यहाँ पे लॉन्च करेंगे, जिसका नाम है सेजर, और ये हमारे अर्थ के ऑर्बिट को 2025 तक क्लीन अप करेगी। सेजर की बात करें तो ये डेवलप किया जा रहा है स्विस की स्टार्टअप क्लियर स्पेस के द्वारा, और एक बार अगर इसको हम लोग स्पेस में लॉन्च करेंगे तो ये जितने भी पीस ऑफ स्पेस ट्रासेस है उसको ग्रैब करेगी एक टाइम में, और फिर रोबोटिक आर्म के द्वारा और फॉल बैक के द्वारा जो है वो अर्थ में आएगी, और जो अर्थ में आती है उसको कंट्रोल किया जाएगा। यानी कि आप लोग भी देखते हो कि कितना ज़्यादा डेबरीज है, यानी कि स्पेस में कितने ज़्यादा कचड़े हैं, तो समटाइम्स वो कचड़े गिरने भी लगते हैं, अर्थ में भी आते हैं, तो इस तरीके का जो स्फीयर है सेजर है वो उसको रोकेगी और जितने भी कचड़े हैं उसको वो ग्रैब करेगी। जो टारगेट है वो पीस ऑफ जंक का है, जिसको हम लोग वेस्पा कह रहे हैं, और ये अर्थ के 800 किलोमीटर तक का है। अर्थ की ऑर्बिट अगर हम लोग होम से देखें तो ये मोर देन 3500 डिफक्ट सेटेलाइट भी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ अदर सिमिलर मिशंस अगर हम लोग देखें तो इससे मिलता जुलता जो है रिमूव डेब्रिस मिशन है, जो कि एक सैटेलाइट रिसर्च प्रोजेक्ट है, जिसमें कि जो स्पेस में डेब्रिस रिमूवल टेक्नोलॉजी का इसमें काम किया जाएगा। साथ ही नेट कैप्चर है, यानी कि इसमें एक नेट को यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया है, जो कि डिप्लॉय किया गया है हमारे टारगेट क्यूबसैट के साथ। हार्पून कैप्चर है, जो कि लॉन्च किया जाएगा, एक टारगेट है कि रिप्रेजेंट करना है सैटेलाइट पैनल मटेरियल को। फिर विजन वेस्ट नेविगेशन है, इसमें कैमरा को लिडार को यूज़ किया जाएगा और प्लेटफॉर्म को यहाँ पे सेंड किया जाएगा डेटा। प्लेटफॉर्म जो है यहाँ पे डेटा को सेंड करेगी, वो भी डेब्रिस जो भी हमारे ग्राउंड में वापस आती है उसके बारे में। डी ऑर्बिटिंग प्रोसेस है, यानी कि जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करेंगे तो स्पेस क्राफ्ट जो है वो बर्न हो जाएगा, और उसके बाद कोई भी तरीके का डेब्रिस वहाँ पे कचड़े वगैरह नहीं रहेगी। जापान की बात करें तो पहले ही ये एक कार्गो शिप लॉन्च करी थी, जो कि 700 मीटर लॉन्ग है, और ये सारे कचड़े जो अर्थ के ऑर्बिट में है उसको ये ख़त्म करेगी। तो यहाँ पर आप कोशिश किया जा रहा है कि किस तरीके से अर्थ में मीन्स स्पेस में जो कचड़े है डेब्रिस है उसको किस तरीके से ख़त्म करें, उसके लिए यहाँ पर प्लान किया जा रहा है, और इस तरीके से सेटेलाइट मीन्स यहाँ पर आपका टेक्नोलॉजी भेजा जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग 24 आर्टिकल में देखते हैं, जो कि है वाईफाई कॉलिंग, तो भारतीय एयरटेल जो है रिसेंटली लॉन्च करी है इंडिया की फर्स्ट वॉइस ओवर वाईफाई, जिसको हम लोग वो वाईफाई कहते हैं। रिलायंस जियो जो है वो ऑलरेडी इसको फॉलो कर चुकी है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें वॉइस ओवर वाईफाई में, तो ये वॉइस ओवर वाईफाई जो है वो ये वाईफाई बेस्ड वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है, जो कि यूज़र्स को अलाउ करेगी कि वो हाई डेफिनेशन वॉइस कॉल कर सकेंगे वाईफाई को यूज़ करके, जहाँ पे पुअर और नो सेलुलर नेटवर्क है, यानी कि नेटवर्क नहीं है, फिर भी आप वाईफाई के थ्रू जो है अच्छे तरीके से आप बात कर सकते हो। कॉल जो भी यहाँ पे वॉइस ओवर वाईफाई से किया जाएगा, यहाँ पे एक शॉर्टर कॉल कनेक्शन टाइम दिया जाएगा, साथ ही सुपीरियर कॉल क्वालिटी भी होगी। यूज़र्स जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा अगर उस तरीके से वाईफाई को यूज़ करके अगर वो कॉल करते हैं तो। साथ ही ये एक सिमिलर है जैसे कि वॉइस कॉल आप व्हाट्सएप से करते या फिर किसी भी तरीके का टॉप मैसेजिंग प्लेटफॉर्म से करते, तो उसी तरीके का ये भी है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 25, जो कि है कॉमेट 21 और बोरिसॉव। ये क्या है कि ये सेकंड इंटर स्टेलर ऑब्जेक्ट है जो कि आइडेंटिफाई किया गया है आज तक, और ये हमारे सोलर सिस्टम से पास किया गया है। ऑब्जेक्ट जो भी यहाँ पे बॉर्न होते हैं हमारे सोलर सिस्टम में और ट्रैवल करते हैं, जो भी हमारे सन के चारों ओर ऑर्बिट करती है, वाइल इंटर स्टेलर बॉडी की बात करें तो वो एक हाइपरबॉलिक पाथ को, यानी कि एक पाथ को ये अपना पकड़ के चलती है। यहाँ पे कंफर्म किया गया है कि 21 और जो बोरिसॉव है ये मोर हाइपरबॉलिक पाथ है देन किसी भी अदर कॉमेट के कंपैरिजन में। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट 26 आर्टिकल। यहाँ पे है कि नासा ने सेलेक्ट करी है कुछ साइट जो कि एस्ट्रॉइड बेनू है, वो भी सैंपल कलेक्शन मिशन के लिए। तो जो साइट है इसको हम लोग नाइटेंगल कह रहे हैं, और ये सेलेक्ट किया गया है सैंपल कलेक्शन जो कि मिशन के द्वारा, जिसको हम लोग ओसी रीफ रेक्स कह रहे हैं नासा के द्वारा। ये जो साइट है ये लोकेटेड है हमारे नॉर्थ पोल, यानी कि एस्ट्रॉइड बेनो के नॉर्थ पोल में ये लोकेटेड है, और इस रीजन में जो टेम्परेचर है वो बहुत ही कम है। अगर हम लोग देखें तो ओसीरिस जो रिव रेक्स मिशन है इसको ऑस्प्रे जैसा सेलेक्ट भी किया गया है, और ये बैकअप सैंपल कलेक्शन साइट है। अगर जब कभी भी ज़रूरत होगी, यानी कि नाइटिंगल सर्फेस में अगर डिस्टर्बेंस होगी, तो ये जो है सैंपल कलेक्ट करने में आपका जो है डिफ़िकल्ट हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर ओसीरिस जो है आपका रखा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर आर्टिकल नेविक एज अलाइड सिस्टम ऑफ US। तो रिसेंटली क्या है कि US कांग्रेस जो है वो एग्री करी है कि इंडिया की जो नेविक है उसको भी डेजिग्नेट करेगी और अलाइड यहाँ पे नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम देगी। साथ ही यहाँ पे गैलीलियो है जो कि यूरोपियन यूनियन की है, और QZSS है जो कि जापान की है। तो यहाँ पे US की जो डेजिग्नेटेड रशिया की ग्लोनास है और चाइनीज़ ब्यूडो है, ये भी एक नॉन अलाइड सिस्टम है। ठीक है, तो यानी कि अब यहाँ पे US के साथ मिलकर यहाँ पे हमारी जो सैटेलाइट है नेविक वो काम करेगी। जो डेजिग्नेशन है हमारी इंडिया की नेविक वो एक अलाइड सिस्टम है, और ये हमारे अमेरिकन एफर्ट्स का भी पार्ट है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं 28 आर्टिकल, जो कि है गोल्ड कोटेड फंजाई, यानी कि एक नेचुरली अकरिंग जो हमारे यहाँ फ्यूजेरियम
ऑक्सीपोरस है, फंजाई है, उसको डिस्कवर किया गया है ऑस्ट्रेलिया में. और फंजाई जो है काफ़ी एसेंशियल रोल प्ले करती है, जितनी भी ऑर्गेनिक मटेरियल को डिग्रेड करना है, उसको ब्रेक डाउन करना है, तो फंजाई का बहुत अच्छा रोल होता है. तो यहाँ पे गोल्ड जो है बहुत ही ज़्यादा केमिकली इनएक्टिव मेटल है, तो इसलिए इसको यूज़ किया जा रहा है और इससे कोट किया जा रहा है फंजाई को. तो फंजाई जो भी यहाँ पे गोल्ड से अटैच है तो वो यहाँ पे डिजोल्व किया जाएगा, प्रेसिपिटेटिंग की जाएगी पार्टिकल्स को. और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो डिस्कवरी है ये एक तरीके का अच्छा खासा फंजाई का यूज़ यहाँ पे दिखा रही है, कि किस तरीके से बायो रेमेडिएशन होगा और हम लोग कचरे से कैसे गोल्ड को यहाँ पे रिकवर कर पाएंगे, साथ ही लार्ज गोल्ड डिपॉजिट को हम लोग डिटेक्ट भी कर पाएंगे सरफेस के तहत. ओके, तो इसलिए यहाँ पे इस तरीके से यूज़ किया जा रहा है. नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया साइंस पब्लिकेशन. तो अगर हम लोग रिसेंट देखें तो यूएस की जो नेशनल साइंस फाउंडेशन डेटा है, तो इंडिया यहाँ पे वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट पब्लिशर बन चुकी है साइंस और इंजीनियरिंग आर्टिकल के लिए. टॉप पोजीशन जो है वो चाइना के द्वारा ऑक्यूपाइड किया गया है. 20% जो साइंटिफिक आर्टिकल्स है वो चाइना लाती है, उसके बाद यूएस है जिसमें कि 16% है, इंडिया में अब 5.3% है, जो कि हमारे यहाँ पब्लिकेशन साइंस और इंजीनियरिंग से रिलेटेड होती है. नेक्स्ट आर्टिकल है 30, जो कि है पोर्तुगल सेटअप गांधी प्राइज़. तो पोर्तुगीज़ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं एंटोनियो कोस्टा, वो रिसेंटली अनाउंस किए हैं कि गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज़ को सेटअप किया जाएगा. और ये जो अनाउंसमेंट है ये तब किया गया था जब सेकेंड मीटिंग हमारी नेशनल कमेटी फॉर कमेमोरेशन महात्मा गांधी 150 बर्थ एनिवर्सरी को यहाँ पे अटेंड किया गया था. तब जो प्राइज़ है वो यहाँ पे गांधीज़ के थॉट से ये इंस्पायर किया गया है और हर एक साल दिया जाएगा. जो फर्स्ट एडिशन है वो यहाँ पे एनिमल वेलफेयर को डेडिकेट की गई है. प्राइम मिनिस्टर जो पोर्तुगल के हैं वो सिर्फ ऐसे फॉरेन प्राइम मिनिस्टर है जो कि हमारे नेशनल कमेटी फॉर कॉमेमोरेशन के पार्ट भी है. नेशनल कमेटी अगर बात करें तो वो यहाँ पे 150 बर्थ एनिवर्सरी को यहाँ पे याद करने के लिए आपका बनाया गया था, वो भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे. इस कमेटी में अगर देखें तो प्रेसिडेंट आपके चेयर किए जाते हैं, साथ ही वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है और हमारे चीफ मिनिस्टर है सारे स्टेट के, साथ ही यहाँ पे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के गांधीयन थिंकर सब कुछ यहाँ पे सबको ही रहते हैं. ओके, अब बात करते हैं साहित्य अकादमी अवार्ड किसको किसको दिया गया है. तो रिसेंटली साहित्य अकादमी जो है अनाउंस किया गया है और ये 23 लैंग्वेजेस में दिया गया है, और अवार्ड फॉर जो नेपाली है उसको भी डिक्लेयर किया जाएगा. साहित्य अकादमी अवार्ड की बात करें तो ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को दिया जाता है जो कि बहुत ही मोस्ट आउटस्टैंडिंग बुक्स होती है कोई भी लिटरली मेरिट में, तो ये 5 साल में जो है आपका दिया जा रहा है. यहाँ पे देखें तो 22 लैंग्वेज जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में रखी गई है. साहित्य अकादमी जो है रिकॉग्नाइज करती है इंग्लिश और राजस्थानी लैंग्वेज को भी. जो विनर है वो यहाँ पे ऑनर्ड किए जाएंगे, उनको कॉपर प्लेट दिया जाएगा और एक शॉल दिया जाता है और प्राइस होता है 1 लाख का. साथ ही साहित्य अकादमी की बात करें तो ये सेकेंड हाइएस्ट हमारे लिटरली ऑनर है जननपीत अवार्ड के बाद. अब साहित्य अकादमी की बात करें तो इंडिया की नेशनल अकादमी ऑफ लेटर है, ये एक तरीके का सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है जो कि लिटरली डायलॉग है, पब्लिकेशन है, हमारे कंट्री में प्रमोट किया जाता है और सिर्फ ओनली इंस्टीट्यूशन है जो कि एक्टिव 24 इंडियन लैंग्वेज में ये लिटरली एक्टिविटीज़ को देखती है, जिसमें कि इंग्लिश भी इंक्लूड है. ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1954 में सेटअप किया गया था और इसको रजिस्टर किया गया है सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत. ओके, अब आते हैं 32 आर्टिकल देखते हैं जो कि है इंडियन कल्चर पोर्टल. मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वो अभी रिसेंटली लॉन्च की है इंडियन कल्चर वेब पोर्टल. ये फर्स्ट गवर्नमेंट ऑथराइज्ड पोर्टल है जहाँ पे नॉलेज और कल्चर रिसोर्सेज जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन की है वो यहाँ पे अवेलेबल होगी. ये हमारा डेवलप किया जा रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे के द्वारा. और क्यूरेशन ऑफ डेट देखें तो ये यहाँ पे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा इग्नू के द्वारा इसको किया जा रहा है. ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारे प्राइम मिनिस्टर की डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है उसका एक पार्ट है और यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन को दिखाया जाएगा कि हमारे कंट्री में कितने टेंजिबल और इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है. तो घर में हमारे इंडिया में भी है और अब्रॉड में भी है. टेंजिबल कहने का मतलब है कि ऐसे हेरिटेज साइट जिसको आप लोग देख सको, टच कर सको, फील कर सको, लेकिन इनटेंजिबल का मतलब है कि आप टच नहीं कर सकते हो. जैसे कि कुंभ मेला होती है, योगा होती है, तो ये सारी चीज़ों को फील करते हैं हम लोग, इन सारी चीज़ों को इंजॉय करते हैं, लेकिन हम लोग इसको टच नहीं कर सकते. तो ये दोनों तरीके की कल्चर हेरिटेज को यहाँ पर आपका प्लेस किया जाएगा. इसके इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको ये इस पोर्टल में मिलेगा. अब नेक्स्ट यहाँ पे 100 ईयर्स एशोकैम की हो चुकी है. एशोकैम मींस एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, और 100 ईयर्स अपने एग्जिस्टेंस का ये कंप्लीट कर चुकी है. एक लीडिंग इंडियन ट्रेड एसोसिएशन है जो कि 1920 में इस्टेब्लिश किया गया था, और ग्रुप ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स है जो कि कलकत्ता ट्रेडर एसोसिएशन के द्वारा इसको लीड किया जाता है. इसका एम है कि एक बैलेंस्ड इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल और सोशल डेवलपमेंट अच्छे से होना चाहिए. साथ ही यहाँ पे कंटिन्यूसली ये सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट करती है. इंपॉर्टेंट रोल है कि किस तरीके से हमारे इंडिया की इकोनॉमिक, ट्रेड, फिजिकल, सोशल पॉलिसीज़ अच्छे से चले. इसमें 40 एक्सपर्ट कमेटी है जो कि रेगुलरली यहाँ पर नेशनल और ग्लोबल इशूज़ को लेती है. इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली में. नेक्स्ट यहाँ पे नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगल अवार्ड.
तो रिसेंटली जो नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड है ये हमारे 36 अवार्डीज को दिया गया है। लीनी पुदुसेरी है जो कि अवार्ड किया गया है इनको, जब ये पास्ट अवे हो चुकी है तब इनको दिया गया है इनके ड्यूटी के लिए। और ये एक निपा इन्फेक्टेड पेशेंट थे उनके केयर करने के लिए इनको दिया गया है। ये जो अवार्ड है ये हमारा 1973 से बनाया गया है और गवर्नमेंट इसको मार्क करती है और इनको देती है। जो भी यहाँ पे बहुत अच्छा काम करते हैं हमारे सोसाइटी के लिए तो उनको इस तरीके का अवार्ड दिया जाता है। WHO भी अनाउंस करी थी 2020 को एज अ ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और 2020 जो है मार्क किया जा रहा है 200 बर्थ एनिवर्सरी जो कि फ्लोरेंस नाइटिंगल के लिए। नेक्स्ट आते 35 आर्टिकल जो कि है रोहतांग टनल रीनेम्ड एज अटल टनल, तो इनका नाम चेंज कर दिया गया है इसलिए आपको याद रखना होगा। प्राइम मिनिस्टर ने रोहतांग टनल का नाम चेंज करके अटल टनल कर दिया है। रोहतांग टनल जो है वो 18.8 किलोमीटर लॉन्ग टनल है, पीर पंजाल रेंज है और वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट टनल है जो कि आपको 3000 मीटर के ऊंचाई में देखने को मिलेगा। ये जो बनाया गया है ये बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई गई है और ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी है मनाली जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश में है, फिर लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर से। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सो गाइज, हमारे यहाँ पे न्यूज़ इन जो शॉर्ट्स है इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। कल हम लोग देख लेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स की भी जो भी हमारी बची हुई टॉपिक्स है। ओके, उसके बाद ये चैप्टर ये भी हमारी मैगजीन कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम लोग जब जनवरी की आएगी तो उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। फिर भी कोई डाउट कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।